ये लो, ये दिखा दिखा दिखा, ऊपर बैठो, हाँ एंजॉय करो, छोटी सी मजे लो और क्या, अबे तो घूम जाएगी इसमें इसमें जो मजा घूम जाए। ये रास्ता है जाने का, था मैं बैंक की ब्रांच, अरे लाइट जल रही है उसको बंद करो, आई एम सॉरी यार आज कल का वीडियो बड़ा लेट अभी जाके एडिट हुआ, असल में यार नेट का मसला चल रहा था तो मुझे नींद आ गई थी, सॉरी मैं बुखार में चला गया था, फिर इंजेक्शन वगैरह लगवाए, वीडियो एडिट करिए मुझे नींद आ गई, यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सका। खैर सॉरी, अब यही रास्ता है, यहीं से निकलते हैं, शॉर्टकट आगे है लेकिन लंबा पड़ जाएगा, टाइम कम है पूरा, 1:02 हो रहा है, शर्ट व्हाइट है खराब ना, बच गया, शर्ट तो खराब नहीं हुई ना मेरी, ये हुई है, गोलियां मैंने लिए पॉकेट के अंदर भरी है, खानी है एक एक, अभी तो खाई नहीं है क्योंकि नाश्ते के बाद खानी है। मैं गया था काला पुल से, फिर मैं अंदर की तरफ आया, भूख लग रही थी, इमरजेंसी शुगर फ्री हो गया भाई, 1:52 8 मिनट रह गए, मेरे पीछे कैंट स्टेशन वाला रोड दोबारा से बता क्योंकि वो वाला खत्म खराब हो गया था, और फिर खैर मुझे मस्जिद जाना पड़ा वॉशरूम की वजह से, यहाँ पे इमरजेंसी में यही हो जाता है। खैर बारह लेनी में राइट नाम कोरंगी रोड, ये पीछे रोड है, ये कैंट जाता है, यहाँ से भी एक रोड कैंट जाता है सीधा, तो फिर आपको पता है सदर और कब्रस्तान जाता है। वेदर आज भी क्लाउडी हो रहा है, अच्छा अब हो रहा है टाइम 2:04, इसीलिए बताता हूँ कि कल को अगर ऑफिस में कोई मतलब टाइमिंग का वो मसला हो तो पहले से मैंने यूट्यूब पे बताया 2:04, ज्यादा 6-7 मिनट का लॉग इन हो जाऊंगा, जा रहा है। बारिश देखें भाई, पता नहीं क्या है, वीडियो ही नहीं बन पा रही बारिश में, देखें भाई बारिश स्टार्ट है, टाइम हो रहा है 4:16, थोड़ी थोड़ी हो रही है, और मेरा जो है ना चार्जर खराब हो गया, यहाँ से टूट गया, मैंने थोड़ी सी ब्रेक ली ये सी टाइप वाला, मैंने काशिप भाई को मैसेज किया, उन्होंने कहा मोबाइल मार्केट तुम पहुंचो, लेकिन अपने को बुखार भी है और यार ये बारिश भी साथ साथ हो रही है, वो देखो पानी भी जमा हो गया भाई अभी से, ये अभी तारिक रोड का हाल है भाई, सब आगे क्या होगा, खैर बहरहाल ऊपर वाला करम करे, ए मालिक अपने को जाने दे, बाकी खैर है। बारिश अभी भी चालू है, मेरा चार्जर खराब हो गया था, मैं आया हूँ काशिक भाई के पास, उनके पास चार्जर ले लिया है मैंने हॉर्स लिया 300 का मिला है मुझे, उससे पहले वाला जो था उसका हुआ गया, वो मैंने प्लग इन किया अपने सीट के नीचे जहाँ मैं बैठा हुआ था लैपटॉप लेके, उसका ये जगह फंस गई अंदर, ये फंसी की फंसी रहेगी, जैसे ही मैंने निकाला तो वो एक अंदर ही रह गया, तो मैंने कहा यार एक तो चलो मैं ऑफिस वालों को बता दूंगा भाई, ऐसा ना उनका भी सॉकेट ख़राब हो, तो खैर ये सीन है, अब जाएंगे, ब्रेक मैंने ली थी 4:10, 4:25 हो रहे हैं, 15 मिनट हो गए, फिर इसको मैं अंदर थैली में रख लूँ, यार ये थैली मैंने उठाई है, वीडियो सॉरी नहीं बना सकूंगा मैं, सामने वाला रोड पानी से भर गया, यहाँ पे थोड़ी देर पहले खड्डा हो रहा था, वो मैंने कैप्चर तो कर लिया था, लेकिन अब जाने प्रेडिक्शन हुई थी है रेन होगी, लेकिन अभी तक हैवी नहीं हुई है, लेकिन सामने के यार पानी से लग रहा है कि हैवी हुई है, इससे पहले मामा तेज बारिश हुई थी, ऐसे ही हल्की हो रही है, तो सामने वाला रोड क्यों इतना वो हो गया है, अच्छा जा जब भी, खैर मैंने शॉपर लिया हुआ और पानी से तो ये जगह खैर बहरहाल भीग गई है, अब यही टाइम है बारिश देखने का और थोड़ा एंजॉय करने का, क्या ठंडी लग रही है, क्या अच्छा फील हो रहा है, आई कांट यू नो रिवील इन माई वर्ड्स, जो बंदा है उसी को पता है, वादर सिग्मा सिटी कराची ने भाई जाके थोड़ा सुकून का सांस लिया है सबके लिए जो भी सिटी में रह रहे, बाकी तो पूरी दुनिया में मैं देख रहा था हो रही है तकरीबन, और कुछ सिटीज में अगर नहीं भी तो बताइएगा कमेंट्स के अंदर लाजम, खैर बहरहाल अब इंजॉय कर रहे हैं जासिल के जरिए जितना हो सके मेरे चैनल के थ्रू, देखिए फिर उसके बाद तो खैर रात हो जाएगी, अपने को भी ब्रेक नहीं लूंगा, अपने को भी बुखार है, मोबाइल को भी बचाना है, इसीलिए इसको सेव करने के लिए शॉपर लेके घूम रहा हूँ, आशिफ भाई के पास से मैं आ गया, अब जाएंगे दोबारा से मैं ब्रेक की जो ली थी वो खत्म करके चैट शुरू करूंगा, देन फिर चार्ज वार्ज पे मोबाइल को लगाऊंगा, इसकी बैटरी भी खत्म है, अरे चार्ज नहीं हुआ तो कल की वीडियो नहीं आ सकेगी भाई, तो अपना टारगेट खराब होगा ना यार से, मैं भी गीला हो गया तकरीबन, ये देखें मेरी शर्ट वाइट पैचेस, ये पानी के आपको निशान नजर आ रहे होंगे, भागते हुए मैं गया था उसको बचा कर, बीच में जो गाड़ियों वाली जगह है वहाँ पे मुझे छलांगे लगता है, क्या आनी पड़ी, बिल्कुल दरिया का समा था, और ये कपड़े आप मेरा देख रहे हो गीले हुए हैं, तो गीले कपड़ों के साथ थोड़ा सा अल्लाह करे जल्दी सूख जाए यार, नहीं तो बुखार वुखार के लिए मसला रहा, कल मैंने जब टेम्परेचर चेक कराया था मेरा 85 का, मतलब मुझे क्लिनिक पे बंदा है हमारे इलाके में, उसने कहा यार भाई आपकी तबीयत बड़ी ख़राब लग रही है, तो मुझे कहते हैं पहले टेम्परेचर चेक करेंगे फिर बताऊँगा, जब उसने बगल के नीचे रखा 5 मिनट, उसके बाद निकाला कहते 85 है, 85 भी सही नहीं है, उसने कहा बहुत गिरा हुआ है आपका, तो उसने मुझे उस टाइम इंजेक्शन लगाया, इसकी वजह से मुझे आराम आया,
रात को सो गया, जिसकी वजह से ये जो अभी मेरी वीडियो आई थी बादलों का मौसम, ये मैं अपलोड नहीं कर पाया, मैं डायरेक्ट सो गया। हालांकि मेरा हाथ में ही मोबाइल रह गया, वैसे ही सो गया। सुबह उठा, आँख खुली और डायरेक्ट देखा तो 11 बज रहे, तो बस जैसे तैसे करके उसको अपलोड किया। हट्टा पड़ा हुआ, इसको फिसलते हुए जाऊँगा मैं, यहाँ तो ये नहीं लगेगा। क्यों, ये पिन जो है ना ये फंस गई है, ये वही पिन है जो टूट गई है चार्जर, यहाँ वाली में लगाता हूँ। रात का अंधेरा, निकल आए ऑफिस से, जाऊंगा समी के साथ। रहमान ने मुझे कहा जासिम भाई अगर आपको ना मिले तो फिर आप होटल से आइएगा। खैर बहरहाल एक दो शॉट यार बड़े क्लास के थे, वो मिस कर गया मैं, और उसके अंदर मैंने इंट्रोड्यूस भी करवाया, लेकिन वही मसला है जब भी ओपन कैमरे को मैं चालू करता हूँ और अगर माइक को मैं पहले से चालू रखूँ, स्टार्ट करके रखूँ, तो फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि वीडियो ही नहीं क्रिएट होती। अब मैंने इसका सोच लिया, पहले इसको ऑन करूंगा फिर इसको ऑन करूंगा, नहीं तो आवाज़ नहीं आती। वैसे तो कैप्चर हो गया है, वॉइस रिकॉर्डिंग भी करें, वॉइस रिकॉर्डिंग अपने को अच्छा नहीं लगता। अरे अभी ऑफ हो गई है, टाइम इस टाइम पे 10:30 का है और रोड देख रहे हैं कैसे गीले हुए हैं। ये तो खाली साइड वाला रोड है, बाकी अपनी बिल्डिंग। हालांकि इतनी बारिश भी नहीं हुई, बीच में थोड़ा सा कंप्यूटर पर लिखा हुआ आ रहा था कि हैवी हुई है। मेरे लिए आसानी हो जाएगी, चिंची विंची मिल जाती है तो फिर इजीली रीच कर जाएंगे। जो एंजॉयमेंट की लम्हात है वो इनके साथ है। बाद में हमने कोई प्रॉब्लम है, हमने भी अपनी एक औकात में रह के वीडियो बनाता हूं मैं, कि मतलब अपने को भी पता होता है कि किस एंगल से देना है, कितनी हद तक जाना है। स्पॉन्सर कर लो, स्पॉन्सर करे तो फिर हाजिर हो कोई, फिर तो भाई जासिल बोलेगा, फिर तो भाई सीधी बात है, दो रोकड़ा। मतलब बाइक की बड़ी क्लास की सफाई हो रही है भाई, और साफ चीज ना जब बारिश में धुलती है, ये मैंने नोट किया, वो और ज्यादा साफ हो जाती है। और गंदा रखने से भले कितनी भी बारिश हो जाए वो और कीचड़ बना देती है, चाहे वो गाड़ी हो। गाड़ियों को मैंने ज्यादातर देखा है, मेरे फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस है, मेरे अपना लाइफ का एक्सपीरियंस है। और देखो कैसे चमक रही है, और साथ में भाई हमारे समी, समी वेरी गुड, पॉलिसी और गाइडलाइन का ख्याल रखते हैं। सभी माशाल्लाह चैट के अंदर हम कुछ है जो हमेशा ऊपर ही रहते, अल्लाह पाक ऊपर ही रखे, कभी कभार नीचे होते, सबसे नीचे। हाँ ऐसा है ना यार, अपना क्या करे यार सभी। कभी खुशी कभी, मैं तो कहता हूँ मेरे पास अच्छे अच्छे कस्टमर। अस्सलाम वालेकुम बेटा, बस हमारे इशू रिजॉल्व करो, सी सेट 3 स्टार देंगे, अपना नंबर देना, आए आए, और क्या चाहिए अपने। कंपटीशन होता है, इतना आसान नहीं होता, और फिर कंपटीशन भी है, जहाँ कंपटीशन होता है वहां पे फिर मुकाबलाबाजी होती है। लेकिन यार मैंने नोट किया है, जितना जान लगा के करो और टेंशन लेके करो ना, नहीं होता काम। आप अगर ये बोलो ना कि यार भले इतने डी सेट मिल रहा, सी सेट मिल रहा, मैं बस काम सही से करूँ, फिर ही होता है। काम करें तो बेहतरीन है, बिल्कुल काम पे फोकस होना चाहिए भाई। एक चीज बड़ी शॉकिंग पता चली फवाद से जाते जाते, अब मैं जाऊंगा समी के साथ, कि यार 17,000 रुपीस का हेलमेट, देखते हैं कौन सा हेलमेट है, कौन सा हेलमेट है फवाद। ओ गाइस लुक एट दिस, माशाल्लाह हाउ ब्यूटीफुल इट इज यार, और इसके ग्लासेस वगैरह, मुझे तो लग रहा है माशाल्लाह किसी को अगर पड़ जाए 50 किलो एक मारेगा, साला बंदा उठ ही नहीं पाएगा, यकीन करो नहीं उठ पाएगा। वेरी गुड फोमिंग देखें गाइस इसकी, लॉस है भाई, ये सेफ्टी है, पहले सेफ्टी होनी चाहिए हमेशा बाइक चलाने से पहले। समी का हेलमेट, सेफ्टी फर्स्ट है यार, क्या मतलब है, हम क्या मौत के कुएं में जा रहे हैं। ना ना बिल्कुल यार, जान अस्ते तो जान अस्ते, फारसी की मिसाल है फवाद, और बिल्कुल पहली चीज ये तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा, बाकी भी करते हैं, मेरे को तो खैर राइडिंग नहीं आती, लेकिन उससे पहले सबसे पहले भाई हेलमेट है, हेलमेट बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसे वाकयात हो चुके हैं मेरे अपने कुछ सर्कल में कि उनके साथ हुए तो उन्होंने लेना स्टार्ट किया, क्योंकि ये जगह की हिट आई थिंक सबसे ज्यादा नाजुक होती है। सर मैं वो बचा भी चुका था, अभी मेरा एक्सीडेंट अभी रिसेंटली हुआ, तो ऑफिस से निकलते ही सर झटके से मैं नीचे गिरा, बाइक गिरी तो ये लगा पीछे, लेकिन इसको ज्यादा तक स्क्रैच तक नहीं पता चला, लेकिन ये कि मेरी सेफ्टी बहुत अच्छी की इसने सर, बिल्कुल मुझे डर तक नहीं हुआ, जरा सा पता भी नहीं चला, मेरा सर लगा था ये पता चला, मतलब लाखों करोड़ों लगा था, जब मैं गिरा तो झटके से सर पीछे लगा, नेक पे पेन आया, लेकिन इस पे जो लगा हिट सर मेरा बच गया।
वेरी गुड, करोड़ों अरबों की मैं कहता हूँ कीमत नहीं है इन चीजों की, क्या कीमत है। तो एक 16-17,000 वर्थ नहीं रखता, लेकिन एक दफा आपकी जब जान सेव हो जाती है ना, जब कोई ऐसा वाक्या हो, अल्लाह ना करे किसी के साथ में, लेकिन अगर होता है तो फिर पता चलता है। ओके बात चलते हैं गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अरनी अरनी रुद्वन क्या कहना चाहोगे दुनिया वालों से, लोगों से, मेरे व्यूअर से? किस चीज के बारे में? वो वैसे ही किसी भी चीज के बारे में, जरूरी है हर चीज हर वक्त। ये हमारे जासिल भाई हैं, इनको काइंडली सब फॉलो करें, सही है, और ये अच्छे अच्छे हमारे व्लॉग बनाते हैं, तो काइंडली इनको थोड़ा सपोर्ट करें, इंशाल्लाह ये बहुत आगे जाएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अरनी के साथ में हमारा बड़ा पुराना साथ रहा, अरनी की भी कहानी स्टोरी की भी बताएंगे आपको। ये इनबाउंड में होता था, सामने हम इधर आउटबाउंड में होते थे, हम रशिया में बैठे हुए होते। ये कोड है, ज्यादा नहीं बोल। अरनी वालों के माइक के अंदर पता नहीं क्या इशू हो गया, अभी मोबाइल से ही मैं बना रहा हूँ माइक के बगैर। कील कील घुस गई है ये, चल में ऐसी चल रहे, आजा छोड़ आड़ी, इसको पैदल पैदल ले चल, तीन चार पंचर होंगे ना, हमें नहीं निकलेगी ऐसा। ये जोरों का झटका इस पर, ये वहीं से मंगाया था जहां से हम आए हैं। निकल रही है, निकल रही है, आड़ा घुसा है, निकलेगा 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 निकलेगा, आड़ी आधा तो निकल गई, ये पूरा ही निकालना है, आधे में मजा नहीं है, निकलने वाला है, निकलने वाला है। अब अरनी को अभी जोश देते हैं, वो WWE में नहीं करते हैं जैसे के। ये ले आ गया है, वाह आ गया होए यार, होए होए वाह अरनी वाह, सारा निकल गया, क्या बात है। ये हुई ना बात, ये लो, ये दिखा 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 दिखा, ऊपर बैठो, हाँ एंजॉय करो, छोटी मजे लो, और क्या, अबे तो घूम जाएगी इसमें, इसमें जो मजा घूम जाए। अरे यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, इसी तरह देखते रहिए, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू रीसेट द लाइक बटन, ओके, टेक केयर लवली फ्रेंड, टेक केयर, बाय।